गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सबसे पहले इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ कि जो मैंने ये इयर्स में पहन रखे हैं, ये जो मैंने टॉप्स पहन रखे हैं, ये कैसे पहन रखे हैं, और मैंने ये जो ये पियर्सिंग करवा रखी है, ये टोटल 6 है ऊपर से नीचे तक, और ये सारा मिला के 6 है। ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये 6 है। पहले मैं गोल्ड का पहनती थी, लेकिन जब यश छोटा था तो वो खींच लेता था, तो उसकी वजह से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया पहनना। और नोज पिन भी मैंने नहीं पहनती थी, तो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, तो बड़ा हो गया काफी। और ये मैं दिखाती हूँ कि किस टाइप के जो मैंने पहने हैं। एक्चुअली गोल्ड में मेरे पास है, लेकिन वो मतलब उतना अच्छा डिजाइन नहीं है, तो मैंने ये मंगवाया था, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ तो मेरे पक जाता है कान, तो ये इसमें पकने का डर नहीं है। और ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, 600-700 का ये मुझे पड़ा। ये पूरा इसका सेट आया था, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ तो मेरे से गुम हो गए, जो बचे हुए हैं उनको मैं आपको दिखा देती हूँ। और नोज पिन का भी मैंने सेट मंगाया था, तो ये मेरे घर में 300-400 रुपए का या कुछ ऐसा ही होगा, मैं देख लूंगी। ये पहले मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये जो टॉप्स है ये अलग अलग साइजेस में है, तो मेरे पास ये कुछ गुम हो गए हैं। ये एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले मैंने परचेज किए थे, और कुछ अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें कान नहीं आपका पकेगा, और इसकी शाइन अभी तक नहीं ख़राब हुई है। कई बार मैंने इसको पहना है, कई बार इसको ऐसे रख देती हूँ, लेकिन इसकी शाइन एज इट इज़ है। और एक्चुअली जो व्लॉग की शुरुआत में मेरे पास काफ़ी मैसेज आए थे कि जो आपने ईयर में पहन रखा है वो कैसे पहन रखा है, और उसका डिटेल में आप दिखाइए, तभी मैंने कहा कि आज मैं ये टॉप्स निकाल के दिखाई देती हूँ आपको। और इसका जो पेच है, इसका जो बंद करने वाला है, वो भी बहुत प्यारा है, तो बाल बाल में उलझने का बिल्कुल भी डर नहीं है, इजीली आप पहन सकते हैं। मैंने सोचा कि फिर मैं लगे हाथों आपको जो मैंने नोज पिन्स वगैरह के सेट मंगाया था वो भी दिखा दूं, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। भी कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जो कान पकने का डर रहता है, कि अगर आप आर्टिफिशियल पहनते हैं, तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि मैं इसे काफी महीनों से यूज कर रही हूँ और ये पकता नहीं है ऐसे कान, और स्टील का है आई थिंक। और नोज पिन भी इतने इजीली आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉक वाला नोज पिन होता है उस पर ये हो जाता है कि उसमें आपको निकालने में कई बार वो फंस जाता है तो नहीं निकलता। ये जब मन करे आप, जो मन करे आप चेंज कर सकते हैं, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, थोड़े कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, फिर हस्बैंड के लिए चाय बनानी है, वो भी एक्चुअली मंदिर से आए हैं। संडे को वो हर संडे मंदिर जाते हैं, यहाँ मंदिर है बहुत फेमस हनुमान जी का, तो वहाँ जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड वो मेरा जो ट्रेजर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं एक दर्जन ला के रखा हुआ। ये सब चीजें हस्बैंड के सामने नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो उन्हें पता लग जाता है क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। अब ये तो आर्टिफिशियल है, गोल्ड का दिलाना, सारा गोल्ड में चाहिए, जितना है ना डिजाइन, सारे डिजाइन मुझे गोल्ड में चाहिए, हर साइज में, हर डिजाइन में, हर कलर में। और मेरे हस्बैंड उतने भी बहुत ज्यादा गंभीर धीर नहीं है जितने आप लोगों को लगते हैं, बहुत ही क्या बोलू, डिसेंट, शांत, बहुत अच्छे। एक्चुअली बहुत शाई है कैमरा से, तो ये तो ऑब्वियसली हर बंदा इतना ज्यादा वो नहीं होता है। हम लोग तो, मैं यूट्यूब पे 2.5 साल से हूँ, तब जाके अभी जवान खुलती है सही से, नहीं तो शुरू में तो मैं ऐसे बोलती थी जैसे कोई गला दबा रहा हो, और ये तो बेचारे अभी क्या बोलेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूँ, ऊपर से मैं लेके आई थी, तो कपड़े फोल्ड करती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। अभी इसका साउंड मैंने एक्चुअली म्यूट कर दिया, एक्चुअली मैं यश को कुछ बोल रही थी इसलिए मुंह छुपा रहा है अपना किसी बात पे। और जब मैंने अभी ये निकाले हैं टॉप्स, तो मुझे याद आया कि मैं पहन ही लेती हूँ, और कुछ इसके पीसेस गुम हो चुके हैं जो छोटे वाले पीसेस थे, और ये नीचे मैं देखती हूँ ये बड़ा वाला पहनूँ या नहीं पहनूँ,
कुछ ओवर हो जाएगा। और इस साइड मैंने एक जो नोज रिंग थी वो मैंने पहना है, और एक नीचे वाला होल जो है वहाँ के लिए मुझे कुछ मिला नहीं, जो मिला वो मैंने पहन लिया। अभी मैं सोच रही थी दूध लाने जाने का, और मेरी सिस्टर लेके आ गई है। चलो टाइम बच गया। अचार के लिए मसाला तो लाना पड़ेगा कमल जी। चलो सबसे पहले मैं कपड़ों को अलग अलग कर रही हूँ, जो जिसके कपड़े हैं या जिस कैटेगरीज के कपड़े हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रही हूँ। जैसे यश के कपड़े हैं वो अलग कर रही हूँ, मेरे कपड़े अलग हैं, और जो टॉवल हो गए, सोफे का कवर हो गया या बेडशीट वगैरह, उनको मैं अलग कर रही हूँ। तो ये कोई डिफरेंस उससे नहीं पड़ेगा कि मैं सारे कपड़े एक साथ फोल्ड करूँ या अलग अलग करके करूँ, लेकिन इससे एक क्लैरिटी आती है माइंड में। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके से कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके करते हैं कि हाँ ये हमने ये काम अभी करना है, फिर उसके बाद ऐसे करना है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक माइंडसेट की बात है, और इससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, पर मुझे इससे करने में थोड़ा सा आसान लगता है। दैट्स वाई मैं सबको कैटेगरीज वाइज डिवाइड करती हूँ, उसके बाद मैं फोल्ड करूँगी। और जो भी कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ, कुछ डेली यूज़ वाले हैं, मतलब सारे ऑलमोस्ट डेली यूज़ वाले ही हैं, कुछ नाइट वेयर्स हैं, तो सबको मैं कोशिश कर रही हूँ एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में उनको फोल्ड करूँ, एक सिमेट्रिकल शेप में, जिससे कि मैं उनको जब वार्डरोब में रखूँ तो वार्डरोब अजीब सी ना लगे, मैश ना लगे, एक प्रॉपर सिमेट्री लिए हुए कपड़े। और मुझे हमेशा टाइम उतना नहीं मिल पाता कि मैं सब कपड़ों को आयरन करूँ, तो कई बार मैं बिना आयरन के भी पहन लेती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ कि बहुत हद तक बिना आयरन के भी चल जाता है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आयरन कर लेती हूँ। लेकिन मैं फोल्ड हमेशा ऐसे ही करती हूँ, नो मैटर कि वो नाइट वियर है या डे वियर है या मुझे वो बाहर पहन के जाने वाला है, डजंट मेक एनी डिफरेंस कि मुझे कहाँ पर पहनना है। कपड़े फोल्ड करने का मेरा तरीका एक ही जैसा रहता है। इस तरीके से अलग अलग डिवाइड करके रखने से ये होता है कि जो कपड़े जहाँ रखने होते हैं उनको इजीली रख पाते हैं, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होती। और जैसे घर में ज़्यादा लोग हैं, जैसे हमारे घर में 3 लोग हैं, तो सबके कपड़े अलग अलग स्टैक किए हुए हैं, तो जिसको अगर अपने वार्डरोब में रखना है तो वो खुद से इसमें से निकाल के रख सकता है। और उसके बाद मैं इनको बास्केट में अरेंज करूँगी। ये मेरे नाइट वेयर्स हैं जो थोड़े से पुराने हो जाते हैं कुर्ते, तो उनको मैं ऐसे घर में पहन लेती हूँ, रात को सोते समय पहन लेती हूँ। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं नाइट सूट ही पहनूं या नाइट ही पहनूं नाइट में। और जो बास्केट में मैं रखती हूँ तो इस तरीके से रखती हूँ, एंड में मैं रखती हूँ, एंड में या स्टार्टिंग में रखती हूँ, बीच में कभी भी कपड़े बीच में मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में डालूंगी तो कपड़े सही से नहीं होंगे। इसलिए कलर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे रेड है यहाँ पे वाइट, तो कलर का मैंने कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं मैंने देखा है, क्योंकि वो फिर सारा कपड़े सारे निकाल के तब मैं करूँगी। और निकालते समय आप बीच से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन रखेंगे अगर आप बास्केट में तो आपको एंड में या स्टार्टिंग में रखना चाहिए, जिससे कपड़े ना ख़राब हो। और एक एक बास्केट में एक बार में निकाल के फिर जो उसकी कैटेगरीज वाले कपड़े हैं, जैसे सबको मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया था तो मुझे उसमें ज़्यादा वो दिमाग नहीं खपाना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से मैं रख रही हूँ। उसके बाद ये यश नीचे आया है, ये एक्चुअली काफ़ी थक के आया है पढ़ के,
और जब भी मैं काम करती रहती हूँ बहुत देर से, तो यश ऐसे ही आके बीच में लेट जाता है। मैं सारे कपड़े फोल्ड कर चुकी हूँ और यश अभी अचानक से नीचे आया है। ये ऊपर वाले फ्लोर पे पड़ रहा था और मैं इसे तब से बोल रही हूँ अपने कपड़े ले जाओ, लेकिन इसको आलस आ रहा है, थक गया है बेचारा, पड़ पड़ गया। रखो बेटा जाओ। कोई बात नहीं, बाद में रख लेगा, अभी रहने देती हूँ। क्या रखना है? कपड़े कौन से? आपके, वो देखो। रखो। गुड आफ्टरनून, आज है मंडे और आज मेरा सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिजी डे गया है, तो इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने और उसके बाद थोड़ा सा मुझे काम है और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या रिकॉर्ड होता है नहीं होता है। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे खूब ठंडी हवा चल रही है बाहर, घर के बाहर। और आप लोग यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। ये तो मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ का मौसम ऐसा है क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है, यही तो भारत की खासियत है। तो पहले मैं जाके पहले कपड़े फैला लूँ, तो फिर देखती हूँ थोड़ी देर छत पे जाके बैठती हूँ आज, ये बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ है। चलो यश कपड़े ले लो। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है, छत का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे रहो। कितना भी कूलर लगा ले बंदा, एसी लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन नेचुरल जो हवा होती है या नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आज हम बैठते हैं थोड़ी देर। और वेट लॉस के लिए जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोग कुछ और तो कर नहीं पाते हैं, जैसे लेडीज़ वगैरह का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर कुछ भी करने लगो तो सबसे पहले फैमिली आती है कि हाँ फैमिली को हम वो टाइम दे देंगे जो टाइम हम अपने में लगाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, अगर आपके घर में थोड़ा स्पेस है तो आप थोड़ा वॉक कर लिया कीजिए। काम करते करते ही बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं जिनको आप करते हुए ही वॉक कर सकते हैं। या बीच में थोड़ा सा टाइम लगा, जैसे अभी मैंने कपड़े फैलाने आई थी मैं सेकंड फ्लोर पे और फिर मैं अभी छत पे आ गई हूँ, जबकि अभी मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम पेंडिंग हो रखा है, लेकिन मैं फिर आ गई वॉक करने।
तो और ज़्यादा कुछ हम लोग वर्कआउट हर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से इंसान को लगता है सबसे पहले हम फैमिली को टाइम दें, उसके बाद हम आते हैं। वैसे होना तो ऐसा चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिट रहेंगे तो फैमिली फिट रहेगी। और जैसे अभी मैं वॉक कर रही हूँ तो यश मेरे पीछे पीछे वॉक कर रहा है, तो बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, और अभी मैंने भी वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया है, तो मुझे जल्दी लगाम लगाना पड़ेगा अपने वेट पे। छत का मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा, जबकि नीचे इतना सारा काम पड़ा हुआ है। यश आपको जाना है? यश भी पढ़ाई कर रहा था, तो मैं उसको ज़बरदस्ती बुला के लाई हूँ कि आप चलो मुझे बाल्टी उठानी है, क्योंकि तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने यश को ज़बरदस्ती भी कर दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, और काफ़ी देर हम लोग छत पे भी बैठे वॉक करने के बाद, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का। आज बहुत अच्छा मौसम है सही में। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।